हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट टॉक शो के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, कल रात 9:30 बजे सभी टीमों ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी कि वो कौन कौन से प्लेयरों को रिटेन करने वाली हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग ने भी अपने 4 प्लेयरों को रिटेन किया, जहां पर दोस्तों उनने सबसे पहले रिटेन किया रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ देकर, फिर दूसरी रिटेंशन प्रक्रिया में महेंद्र सिंह धोनी को 12 करोड़ रुपए दिए गए, तीसरी रिटेंशन में दोस्तों मोइन अली को 8 करोड़ रुपए दिए गए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथी रिटेंशन को उन्होंने 6 करोड़ रुपए दिए। इसी लिस्ट को लेकर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने 4 प्लेयरों को रिटेन किया, जहां पर दोस्तों उन्होंने 1 ओपनर, 2 ऑलराउंडर और 1 कैप्टन प्लस विकेट कीपर को रिटेन किया। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि बाकी बची जो सूची है, इसमें ये कौन कौन से प्लेयरों को IPL मेगा ऑक्शन से पिक करेंगे ताकि वो अपनी बेहतरीन टीम बना सकें IPL 2022 मैचेस के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन्हीं टारगेटेड प्लेयर के बारे में कि CSK की टीम अब कौन से प्लेयरों को टारगेट कर सकती है, कौन से प्लेयर उनकी रिमांड में आ सकते हैं, और कौन से प्लेयर ऐसे होंगे जिन पर चेन्नई सुपर किंग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। अब दोस्तों, मेरे हाथ में ये लिस्ट है और इस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि चेन्नई सुपर किंग को कौन से प्लेयर के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और वो उनके पीछे जा भी नहीं पाएगी, क्योंकि दोस्तों बाकी जो 2 टीम नई आने वाली हैं अहमदाबाद और लखनऊ की, वो उन प्लेयरों को पहले ही ले जाएंगे, जहाँ पर दोस्तों डेविड वार्नर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, शिखर धवन और युजवेंद्र चहल की तरफ चेन्नई सुपर किंग की टीम बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि दोस्तों ये प्लेयर पहले ही पिक हो जाएंगे 2 नई टीमों से। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि कौन कौन से प्लेयरों को जोड़कर अपनी प्लेइंग 11 तैयार कर सकती है चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों ये 4 प्लेयर मैंने आपको बताई है 100% खेलने वाले होते हैं चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले एक ओपनर की जरूरत पड़ेगी चेन्नई सुपर किंग की टीम को, जहां पर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ का साथ दे सके वो प्लेयर। दोस्तों इस लिस्ट में ईशान किशन का नाम सबसे ऊपर आ सकता है, जहां पर दोस्तों ईशान किशन एक विकेट कीपर बैट्समैन है, वो भी झारखंड से आते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी को इनमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है कि इनको खिलाया जाए और अपनी टीम में शामिल किया जाए एक अहम किरदार के तौर पर। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 पे इनके लिए तैयार हैं मोइन अली। अब नंबर 4 पे दोस्तों मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए इनको जरूरत पड़ेगी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की, जहां पर दोस्तों ये टीम जा सकती है फिर से सुरेश रैना की तरफ। दोस्तों सुरेश रैना को यह टीम ज़रूर टारगेट कर सकती है, हालांकि 3 से 4 करोड़ में इनको सुरेश रैना ऑक्शन से वापस मिल सकते हैं, और यह टीम आप मेरा यकीन मानिए कि 100% सुरेश रैना को टारगेट करेगी, फिर चाहे खिलाए या ना खिलाए यह एक अलग बात हो गई, लेकिन नंबर 4 के स्लॉट के लिए सुरेश रैना को यह टीम ज़रूर से ही टारगेट करेगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पे आपको महेंद्र सिंह धोनी ज़रूर खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 के लिए रविंद्र जडेजा पुख्ता प्लेयर हैं, जो कि आपको नंबर 6 पर खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 7 पे दोस्तों यह टीम फिर से एक ऑलराउंडर की तरफ जाएगी, जहां पर दोस्तों यह टीम जा सकती है मिचेल मार्श या फिर मार्कस स्टोइनिस की तरफ, जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी ज़्यादा दिग्गज ऑलराउंडर उभर के आए हैं इस समय के लिए। तो दोस्तों ये 2 कंटेंडर हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग के रिडार में, जो कि दोस्तों इनको टारगेट कर सकती है चेन्नई सुपर किंग की टीम, जो कि दोस्तों काम कर सकते हैं वैसा ही जैसा कि ड्वेन ब्रावो अब तक चेन्नई सुपर किंग के लिए करते आ रहे थे। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पे यह टीम पिक कर सकते हैं शार्दुल ठाकुर को फिर से ऑक्शन में से, क्योंकि दोस्तों शार्दुल ठाकुर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा विकल्प होता है चेन्नई सुपर किंग के लिए, जो कि दोस्तों आपको नंबर 8 पे बैटिंग करके भी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 9 पे यह टीम जा सकती है रवि अश्विन की तरफ, क्योंकि दोस्तों ये फिर से अपने एक्स प्लेयर को अपनी टीम में वापस बुला सकती है, क्योंकि दोस्तों रवि अश्विन एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्पिनर आपको नज़र आए हैं अभी के उनके रिटर्न के बाद, और आपको यह खिलाड़ी फिर से चेन्नई सुपर किंग की टीम में फिर से खेलता हुआ देख सकता है। इसके बाद दोस्तों नंबर 10 पे यह टीम पिक कर सकती है भुवनेश्वर कुमार को। दोस्तों दीपक चहर को रिलीज़ करने के बाद इस टीम को जरूरत ज़रूर पड़ेगी, जो कि दोस्तों पावर प्ले में विकेट छटका सके ऐसे गेंदबाज की, ऐसे में दोस्तों भुवनेश्वर कुमार सबसे आगे नाम आता है अगर दीपक चहर इनके हाथ से निकल जाते हैं तो। इसके बाद दोस्तों नंबर 11 पे यह टीम ज़रूर से ही पिक करेगी लॉकी फर्गसन को, जो कि दोस्तों एक अच्छे गति के गेंदबाज हैं, और जॉश हेजलवुड
वुड की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों को टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों कुलदीप यादव एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इनके लिए और रवि बिश्नोई एक और ऑप्शन हो सकता है। साथ में दीपक हुड्डा कृष्णप्पा गौतम की जगह रिप्लेस होकर आ सकते हैं इस टीम के लिए, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा बेहतरीन विकल्प आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों मैंने जिन खिलाड़ियों को आपको बताया, इन खिलाड़ियों को ज़रूर से ही टारगेट करेगी चेन्नई सुपर किंग की टीम और कोशिश करेगी इन्हीं प्लेयरों से अपनी प्लेइंग 11 तैयार करे। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते आप बताते जाइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। और अब लेके आएंगे दूसरी टीम का एनालिसिस बिल्कुल इसी तरह से।